नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। को ऐसा ही नहीं है कि एकदम हम पहुंच गए फुल्ली पास डबे पर, यह संभव ये भी नहीं है इसमें कि जंप नहीं है कहीं भी। दो प्रकार की अस्थे स्टेज हैं, सोप देशिस निर्वाण, अनोप देशिस निर्वाण। अब सो ये संधि विच्छेद है, स उपदि शेष, स उपदि शेष। स मीन्स विद, उपदि मीन्स उत्पन्न होने वाले, प्रत्युत्पन्न पंचस्कंद, शेष बच जाने वाले, ये इसका संधि विच्छेद है। इसको हम फिर सोपदि शेष कहते हैं। अगर तोड़ोगे इसकी वो करोगे हिस्से, स प्लस उपदि प्लस शेष, स उपदि शेष, शेष बचा हुआ। जब भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध हुए, उनके राग द्वेष खत्म हुए, परिचित ज्ञान चक्षु, मतलब यह है जितना भी ये और वो, ये सारे सारे सब जागृत हो गया सारा, उनका नाम अवेकंड वन भी है, जागृत हो गए, तो उनके सारे क्लेश मिट गए। उन्होंने कहा भी उदान हर्ष में, करोड़ों बरस तक संसार में भटकता रहा, दुखों में पड़ता रहा, अब घर बनाने वाली तृष्णा को कहा उन्होंने, मैंने तुझे देख लिया, तेरी सारी कड़िया भग्न हो गई, तेरा शिखर ढह गया, अब तू दोबारा घर नहीं बना सकेगी। फिर आगे क्या कहा, अरहत्व को प्राप्त हो गया, यही तो कहा था, अरहत्व को प्राप्त हो, अर शत्रु, हत शत्रु की हत्या हो गई है, अरहत्व को प्राप्त हो गया, क्षीण बीज हो गया, जो बीज है चित्त, हर चित्त से जुड़े सारी वासनाएं, एक अरहत का नाम क्षीण बीज भी है, खीण बीज उसको पाली में कहते हैं, छीण, जिसने इस बीज को ही छीण कर दिया, वही चने वाला उदाहरण जो जमता नहीं है, छीण बीज हो गया, ये उदान हर्ष में ही कह दिया था उन्होंने। तो उस समय वो सोपदिश निर्वाण को प्राप्त हुए थे, क्योंकि उनके सारे शरीर के जो अंग थे वो जीवित अवस्था में थे, पंचस्कंद उनके रहे 80 साल तक, तब तक अनोपदेशिस निर्वाण, तो उनकी जो वो निर्वाण की स्टेज थी सोपदेशिस निर्वाण की थी। उपदि उनके उपादान जो थे, ये जो हमारे पंचस्कंद उपादान हैं वो अलायु थे। फिर एक तो ये परिभाषा हो गई, तो उसका जो हमारा नाम रूप का जो जीर्णता से और क्षीणता जब समाप्त हो जाए इन चार उदाहरणों के सापेक्ष, जो दिए का मैंने चिराग का उदाहरण दिया, तब जाके वो अनोपदेशिस निर्वाण कहते हैं। फिर उसका नो बेस इज रिमेनिंग देयर, कोई उसका बेस नहीं है,